पिंड। अंडपिंड स्थान जुए तो ते मादामा उदरमा आवेलू होय छे अने अंडपिंडनी एक जोड़ होय छे। हवे अंडपिंड ए अंड पुटिकाओ अने आधार पेशीनों बनेलू छे। अंडपुटिकामां विकसित अंडपुटिका ए ઇસ્ટ્રોજન નો સ્ત્રાવ કરે છે જ્યારે અંડપાત થઈ જાય પછી બનતી તૂટેલી અંડપુટિકાઓ કોર્પસ લ્યુટમમાં ફેરવાય છે। તો વિકસિત અંડપુટિકાઓના અંડપાત પછી તૂટેલી અંડપુટિકાઓ कॉर्पस ल्यूटियम में फेरवाय छे। अने आ कॉर्पस ल्यूटियम बे प्रकारना अंतःस्त्रावनो स्त्राव करे छे के जेमा समावेश थाय छे प्रोजेस्टेरॉन अने रिलेक्सिन। आ त्रणेय अंतःस्त्राव स्टीरोइड प्रकारना छे। आम अंडपिंड ए સ્ટીરોઇડ પ્રકારના અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ કરે છે। હવે ત્રણેય અંતઃસ્ત્રાવના કાર્ય જોઈએ તો સૌથી પહેલા ઇસ્ટ્રોજન। તો ઇસ્ટ્રોજનનું કાર્ય છે માદા પ્રજનન તંત્ર उत्तेजित करी तेनो पूर्ण कदमा विकास करे छे। अने आ उपरांत तेनु बीजु कार्य छे गौण जातीय लक्षण उत्तेजवा। आवा गौण जातीय लक्षणों मादा में जोईए तो ते छे स्तन वृद्धि उपरांत नितंब पहोळा थवा बगलमां वाळ उगवा वगैरे रजोदर्शन थवुं ते पण गौण जातीय लक्षण छे। आ उपरांत त्रीजुं कार्य छे
अंडपिंड में अंड पुटिकाना विकास ने उत्तेजवू। आम इस्ट्रोजन ना मुख्यत्वे त्रण कार्यो छे के जेमा छे मादा प्रजनन तंत्र ने उत्तेजन करीने तेने पूर्ण कदमा विकास करवो, उपरांत बीजू छे गौ जातीय लक्षणों उत्तेजवा अने त्रीजू छे अंडपिंड में अंडपुटिकाना विकास ने उत्तेजवू। हवे प्रोजेस्टेरोन विषे जोईए तो प्रोजेस्टेरोन ए तेनु पहलू कार्य छे गर्भ विकास अने भ्रूण विकास ने उत्तेजवू। बीजू कार्य छे अंडपात स्थगित करवो आ उपरांत गर्भाशयनी दीवाल ऊपर अथवा तो गर्भाशयनी दीवाल मा गर्भनु स्थापन करवु जरायु निर्माण मा सहाय करवी अने स्तन ग्रंथि ऊपर कार्य करीने दूधनो स्त्राव करी संग्रह करवा उत्तेजन आपू। आम प्रोजेस्टेरोन ना मुख्य कार्य छे गर्भना विकास दरम्यान। तो प्रोजेस्टेरोन ए जारे कोई पण स्त्री गर्भवती बने त्यारे गर्भनो विकास अने भ्रूणनो विकास करे छे अने गर्भने पड़ता अटकावी दे छे, एटले के अंडपात ने स्थगित करे छे अने गर्भनु स्थापन गर्भाशयनी दीवाल मा करावे छे। आ उपरांत ते जरायुना निर्माण मा सहाय करे छे अने स्तन ग्रंथि ने उत्तेजे छे के जेथी ते दूधनो स्त्राव करीने तेनो संग्रह करे। हवे त्रीजो अंतःस्त्राव छे रिलेक्सिन। तो रिलेक्सिन नु कार्य जोईए रिलेक्सिन नो स्त्राव गर्भ परिपक्व थाय त्यारे जो थाय छे, एटले के रिलेक्सिन नो स्त्राव गर्भ परिपक्व थाय तेना अंते थाय छे। कारण के रिलेक्सिन नो मुख्य कार्य छे के गर्भाशयनी ग्रीवा एटले के गर्भाशयना मुखने पहोळू करीने
બાળકના જન્મને સરળ બનાવે છે, એટલે કે જ્યારે ગર્ભ વિકાસ પૂર્ણ થાય અને પ્રસૂતિનો સમય આવે ત્યારે રિલેક્સિન અંતઃસ્ત્રાવ સ્ત્રવે છે અને એનું મુખ્ય કાર્ય છે ગર્ભાશયના મુખને એટલે કે ગર્ભાશયની ગ્રીવાને પહોળું કરીને બાળ પ્રસવની ક્રિયા એટલે કે બાળકના જન્મને સરળ બનાવે છે।